हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम द्विवेदी में। दोस्तों, इंसान को कुछ पाने की लालच और कुछ बनने की लालच और कुछ बड़ा करने की लालच, अगर एक प्रकार समझे तो ये लालच ही है। और ये लालच ही हमें आगे लेके जाती है, पर हमारे अंदर उसे करने का अगर जज्बा होगा, यानी हमें एक जगह टिके रहने का अगर हमारे अंदर जज्बा होगा, तभी हम इन चीज़ों को पा सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ बड़ा बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सक्सेस लेनी है तो हमें एक दर पे टिके रहना ही जरूरी है, तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं। अगर हम भटकते फिरेंगे इस जगह से उस जगह, तो ना ही हमें सक्सेस मिलेगी और ना ही हम सक्सेस को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक दिन हम अपने घरों में बैठे थे, रोज की तरह दीपक हमारे मंदिर में जला, जो रोज जलता था, पर उस टाइप में हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं ना, जब तक जिस चीज़ पे ध्यान मत दो, वो चीज़ हमारे सामने से गुजरती रहती है बार बार, पर उस चीज़ पे जब तक हम फोकस नहीं करते, हम उसे समझ नहीं पाते। तो दीपक जलता रहा और उस दिन हम उसके सामने बैठे थे, तो हमने देखा कि दीपक पे हवा, जब हवा चली तो उस पर लगातार टक्कर मारे जा रही थी। हवा का ये कहना था कि दीपक को मैं बुझा के रहूँगी, और दीपक का ये कहना था कि मैं जलता रहूँगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हवा लगातार उस पर टक्कर मारे जा रही थी, टक्कर मारे जा रही थी, पर उसकी जो दीपक से उठते लव थे, वो इधर से उधर डगमगा तो रहे थे, पर वो बुतने का नाम नहीं ले रहे थे। लास्ट में काफ़ी देर तक ये होता रहा और मैं देखता रहा बैठ के। क्योंकि अगर हमें कुछ आप लोगों को बताना है, तो उसके लिए पहले हमें सीखना पड़ता है। अगर हमारे अंदर सीखने की क्षमता नहीं रहेगी, तो शायद हम इस वीडियो में बैठ कर आपके सामने हम कुछ आपको ना समझा सकते हैं और ना बता सकते हैं। तो काफ़ी देर तक ये वारदात चलती रही, हम उस चीज़ को देखते रहे, पर लास्ट में हवा को शांत होना पड़ा था और हवा शांत हो गई थी, पर वो दीपक नहीं बुझा। अब उस पर आप या भगवान की महिमा कहिए, क्योंकि वो एक मंदिर में जल रहा था। मंदिर हमारे घर में है, तो सभी घरों में होता है। तो अब उसके आप कुछ भी समझिए, अगर आप भी ऐसा करते हो और अपना सिर्फ एक ही टारगेट और अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चलते हो, और उस पर अगर आप टिके रहते हो हमेशा, और अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करते हो, तो आप पे भी चाहे भगवान की महिमा समझो, या अपना कॉन्फिडेंस समझो, या अपना आत्मविश्वास, कुछ भी समझो, वो आपको आगे कहीं ना कहीं लेकर जाएगा। पर उसके लिए हमें एक दर पे पैर जमाए रखना चाहिए होगा, या फिर एक दर पे हमें एक रास्ते पे हमें चलना होगा, तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं। क्योंकि इस समय सक्सेस हो या किसी भी क्षेत्र में, मानो जैसे कि हम एक अभी का करंट का अगर स्टेटस बताएं आप लोगों को, तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक रेस चल रही है। इसी तरह हमारे सक्सेस में भी बहुत से रेस चल रही है। हम किसी भी अगर फील्ड में उतरेंगे, तो वहाँ हमसे भी ज़्यादा बंदे उतरेंगे, हमसे भी ज़्यादा बंदे पहले से मौजूद होंगे, हमसे भी ज़्यादा बंदे बाद में आएंगे, हमसे भी ज़्यादा लोग वहाँ पहले से आके और जा भी चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी रेसें चल रही है। अगर उस रेस को हमें फाइनल करना है, उस रेस को हमें जीतना है, उस रेस को लेकर आगे हम अगर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें उस दर पे टिके रहना होगा, कुछ दिन समझना होगा, कुछ दिन सीखना होगा। अगर कुछ बिगड़ेगा, जैसे उस दिए से उठती लौ जो थी, वो इधर उधर डगमगा तो रही थी, वैसे आप भी कुछ दिन डगमगाओगे, आपके सामने भी आंधी तूफान सब आएंगे। अगर आप अपने दर पर टिके रहोगे, तो आप उस लक्ष्य को जरूर एक न एक दिन पा सकते हो। आंधी तूफान का मतलब ये नहीं है कि वो आंधी तूफान बन के ये आएगा, हवाएं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान का मतलब आपके पास मजबूरियाँ होंगी, कभी कभी आप अंदर से आपके ऐसी आवाज़ आएगी, तू ये नहीं कर सकता है। पर इन सब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों को हम सह के आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे चलने का रास्ता हमारा क्लियर होगा। अगर यहीं पर अगर हम हिम्मत हार गए, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर हमने हिम्मत हारी और यहाँ से हम यहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहीं भी अगर जाना है, तो उसके लिए अगर हमारा रास्ता क्लियर है, या फिर हम रास्ता क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए हम वहाँ जल्दी ही जल्दी पहुँच जाते हैं। और अगर हम किसी शॉर्टकट रास्तों का अगर शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं कि नहीं, हाईवे पकड़ के नहीं, हम शॉर्टकट या कच्चे गलियारे से निकल जाएंगे, कहीं पर चले जाएंगे, तो अच्छी बात है, आप जल्दी पहुँच सकते हो। पर वहाँ पहुँचने के लिए हमें उस रास्ता के बारे में तो पूरी तरह पता नहीं, ऊपर से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे ये भी अप्लाई करके, अरे ये भी उसे पास नहीं किया है कि हाँ ये राजमार्ग आपको यहाँ तक तो पहुँचा देगा। उसमें हमें काफ़ी अधिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ सकती हैं, और उससे पहुँचे कि ना पहुँचे, इसकी भी जिम्मेदारी कोई नहीं है। और अगर हम राजमार्ग से जाते हैं, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह आपको भी अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना है, आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करने की चाहत है, कुछ बड़ा पाने की चाहत है, कुछ बड़ा बनने की चाहत है, तो इन सब सारी चीज़ों को हमें, जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, परेशानी आती हैं, उनको सह कर हमें आगे बढ़ना होगा। और उन्हीं आगे बढ़ने के साथ साथ हमें अपना पूरा माइंड
सेट करके चलना होगा, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि सक्सेस कोई आम खेल नहीं है जो कि हम कहीं पे गए और खेल कर जीत लिए या फिर उठा के जीत लिए, नहीं। अगर जब तक आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बनोगे, आप कोई भी मैच को जीत नहीं सकते हो। चाहे सक्सेस की रेस हो, चाहे मैच हो, चाहे गेम हो, कोई भी हो, वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि कंपटीशन हर जगह बहुत ज़्यादा है, हमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, लगातार कोशिश ही हमें आगे बढ़ा सकती है। तो यह हमारी छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी ऐसे ही मोटिवेशनल और इमोशनल वीडियो हमेशा हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग उस वीडियो को भी देख सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।